आज के इस एकत्रीकरण के अंदर मुझे आप सबके सामने जब बोलना है तो मेरे मन के अंदर एक विचार आ रहा था। एक विशिष्ट परिस्थिति में से अपना देश गुजर रहा और एक विशेष संयोग भी है जिसके कारण से आज हम सारे देश के अंदर कुछ बातों का स्मरण कर रहे हैं। भारत की यात्रा और पिछले 100 वर्ष के अंदर संघ की यात्रा, ये दोनों एक साथ चल रही। ये जो कालखंड है, ये कालखंड देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में पिछले साल ही हमने मनाया और 2 वर्ष बाद संघ के कार्य के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इस विजयदशमी पे 98 वर्ष पूर्ण होकर इस 100वें वर्ष की तैयारी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह एक ईश्वरीय संयोग है कि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव और संघ का शताब्दी वर्ष, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। मैं दोनों का स्मरण इसलिए कर रहा हूं, वास्तव के अंदर स्वाधीनता के 75 वर्ष के अवसर पर हमने स्वाधीनता सेनानियों का स्मरण किया। स्वाधीनता के वो जो संघर्ष था, उस संघर्ष का जो विभीषिका थी, वो जो गुलामी दास्ता जो 1000 वर्ष के उस संघर्ष के अंदर हमने झेली, उसका भी स्मरण किया और हमारा संघर्ष का स्वरूप कैसा था, उसकी प्रेरणा क्या थी, ये सब बातें भी हमने स्मरण की। केवल स्मरण नहीं लिया, आगे के लिए हमने कुछ करने का संकल्प भी लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते भी 98 वर्षों की इस यात्रा का स्मरण और आगे के करने का संकल्प। वास्तव में ये जो समय है, ये अपने संघ के 100 वर्षों की यात्रा, भारत की स्वाधीन भारत के 75 वर्षों की यात्रा का विहंगावलोकन, उसको एक बार पीछे मुड़कर देखना और आने वाले समय में करने का संकल्प लेना, इसके लिए ये कालखंड है। इसीलिए मैंने कहा ये विशिष्ट परिस्थिति है। हमारे यहां संघ के अंदर शारीरिक विभाग के अंदर पदविन्यास में दंड युद्ध में एक प्रयोग आता है, वाम और सिंह ध्वज। ये सिंह ध्वज क्या है? सिंह चलते चलते कभी पीछे नहीं मुड़ता, वो केवल पीछे गर्दन घुमाकर एक बार व्यंगावलोकन करता है कि मैं कहां से चला था, कहां तक पहुंचा, और फिर उसके बाद एक आत्मविश्वास मन में लेकर एक लंबी छलांग लगा। वास्तव के अंदर ये समय हमारे लिए भी अपने इस स्वाधीन भारत की 75 वर्षों की यात्रा, संघ की 100 वर्षों की यात्रा, उसको हल्का सा गर्दन घुमाकर पीछे मुड़ के देखना और आगे के लिए एक लंबी छलांग लगाने का संकल्प लेने का कालखंड है। वास्तव के अंदर ये 75 वर्षों की यात्रा क्या है और संघ के 100 वर्षों की यात्रा क्या है और हमको क्या करना है, ऐसी 3 बातों की चर्चा मैं आपसे इस भौतिक वर्ग में करने वाला। स्वाधीन भारत की 75 वर्ष की यात्रा एक बड़ी गर्व करने लायक यात्रा। कभी कभी नकारात्मकता फैलाने वाले लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें करते, लेकिन वास्तव के अंदर ये 75 वर्ष के अंदर हम जब विचार करते हैं तो हमको ध्यान में क्या आता है, 1947 एक बेचारगी का भारत था। जम्मू कश्मीर पर आक्रमण हुआ, यूएन के अंदर विषय गया, दुनिया का कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं, हमारी भूमि पर कब्जा हो रहा था, पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, लेकिन दुनिया की सारी शक्तियां उसके पीछे खड़ी थी। हमारी स्थिति ऐसी थी कि 1965 के अंदर हम युद्ध जीते, हमको जीती हुई जमीन वापस करने, वो कालखंड था देश की आजादी के बाद का, जब अन्न की दृष्टि से अपने देश का पेट भरने के लिए हमको अमेरिका से अनाज मंगाना। हमने स्वाधीन भारत की जब यात्रा प्रारंभ की, वो एक बड़ी बेचारगी से यात्रा प्रारंभ की। 1000 वर्ष का जो संघर्ष था, उसके अंदर जो शोषण हुआ, जो लूट हुई, जिसके अंदर समाज की संस्थाएं नष्ट हो गई, वहां से हमने इस भारत को खड़ा किया। 75 वर्ष के अंदर ही पूरे भारत का चित्र बदल। आज भारत कहने के बाद दुनिया के अंदर एक मजबूत राष्ट्र,
आज दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों में हमारी गिनती होती है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना हमारी है। भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है। अभी हम किसी की कृपा पर नहीं है। यूक्रेन का प्रश्न आया या इसराइल फिलिस्तीन का प्रश्न आया, हमारे हित में जो है उसको ध्यान में रखकर हमने निर्णय किया, दुनिया की किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं। आज जब हम भारत को देखते हैं तो दुनिया के अंदर एक पांचवें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। दुनिया के अंदर इस कोविड के अंदर बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, एक भारत की अर्थव्यवस्था थी जिसने बहुत तेजी से अपने को दोबारा से गतिमान कर दिया। आज भारत कहने के बाद दुनिया के अंदर जब आता है तो भारत की कूटनीति की लोग दाद देते हैं। अभी G20 हुआ, पहली बार G20 के अंदर पहले दिन सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ, नहीं तो G20 में 20 देशों को सहमत करना बहुत मुश्किल था। लेकिन विपरीत विचार के लोगों को भी एक मंच पे लाकर एक मत का करना, यह हमारी कूटनीति की विजय। हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत की पहचान केवल मजबूत शक्तिशाली, आज दुनिया के अंदर शक्ति संपन्न राष्ट्र की नहीं है, एक जिम्मेदार राष्ट्र की भारत की प्रतिमा है। दुनिया के सब छोटे छोटे देश अपने हित के अंदर जब भी कोई संकट आता है, कोई प्रश्न आता है, वो भारत की ओर देखते हैं। कारण भारत हमेशा केवल अपना विचार नहीं करता, वो सबका विचार करता है। कोविड की चुनौती आई, वैक्सीन का प्रश्न हो, दवाइयों का प्रश्न हो, सारी दुनिया के साथ हम खड़े थे। पैसा कमाने के लिए नहीं खड़े थे। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा ध्येय वाक्य है, उस बात को मन में लेकर सबका हित का विचार करना, सर्वे भवन्तु सुखिना, इस विचार को लेकर चलने वाला भारत। यूक्रेन के युद्ध के अंदर दुनिया के जिस देश को अनाज की आवश्यकता पड़ी उसको भारत ने अन्न दिए। व्यापार में पैसा कमाने के लिए दुनिया के प्रत्येक देश को एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत अपने एक अग्रज के रूप में आज दिखाई दे। आज भारत की पहचान दुनिया के अंदर हमारी IITs के कारण है, IIM के कारण है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कारण है, एम्स के कारण है। आज भारत एक शिक्षित राष्ट्र के रूप में, ये अनपढ़ों का देश नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO ये भारत के। दुनिया के अंदर जब भारत का विचार आता है तो भारत एक ऐसा देश है जिसने 75 वर्षों के अंदर एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। भारत के अंदर एक सदैव समृद्धि थी, हमारे यहां समरसता का वातावरण था, लेकिन 1000 वर्ष के अंदर सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, लैंगिक विषमता ये इस देश के अंदर हो गई। इस्लाम के आक्रमण के अंदर लड़ते लड़ते क्योंकि महिला की ओर उसकी देखने का एक दृष्टिकोण था, इसलिए भारत की बेटी, भारत की महिला ये घर के अंदर बंद हो, सामाजिक जीवन में उसकी भूमिका नहीं हुई। लेकिन 75 वर्ष के अंदर ही आज समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत की बेटी बेटों के साथ खड़ी। 75 वर्ष पहले कोई कल्पना नहीं करता था। आज वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, समाज के अंदर उद्योग का क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो, आज भारत की बेटी ये फाइटर उड़ाती है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हुई है। प्रारंभ में आरक्षण आया तो किसी को लगता नहीं था, लेकिन उसके कारण से देखते देखते देश के अंदर आज एक सामाजिक विषमता, सामाजिक भेद ये समाप्त हो गया। आज भारत के अंदर एक बड़ा वर्ग जो शिक्षा से, रोजगार से, काम धाम से ये दूर था, आज वो समाज के साथ मुख्य धारा में आकर सारे राष्ट्र की उन्नति के काम में लग गया। भारत के अंदर बहुत थोड़े लोग संपन्न थे, लेकिन आज भारत के अंदर जितनी यूरोप की आबादी है उतनी बड़ी भारत की मध्यम वर्ग। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं, मैं कहता हूं यूरोप तो विकसित हो गया और हम अर्ध विकसित है, जितनी यूरोप की आबादी है उससे ज्यादा हमारा मिडिल इनकम ग्रुप है, हमारा मध्यम वर्ग उससे ज्यादा अच्छा है।
आज भारत जो है ये एक इस देश के अंदर केवल 75 वर्ष के अंदर, आने वाले एक 2-4-5 वर्षों के अंदर देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का घर नहीं होगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको शिक्षा स्वास्थ्य इसकी संपूर्ण सुविधा प्राप्त नहीं हो। 75 वर्षों के अंदर हमने एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति इस देश के अंदर की है, और सबसे बड़ी बात है इस 75 वर्ष के अंदर इस देश के समाज का सोचने का ढंग बदल। मैं कभी कभी कहता हूं आज भारत का व्यक्ति यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्त, आत्मविश्वास से युक्त, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाला, कहीं भी भारत का व्यक्ति हारना नहीं चाहता, वो खेल का मैदान हो वहां क्रमांक एक पर आना चाहता, वो हर जगह जीतना ही चाहता, वो आज एक कंपनी शुरू करता है कल उसको यूनिकॉर्न बनाने की सोचता है। भारत का युवा किसी कंपनी में एम्प्लॉय होता है कुछ समय बाद उसका सीईओ बनने की सोचता है। इस देश के अंदर एक एक करके गुलामी के चिन्हों को मिटा देने के लिए कृत संकल्प है। स्वाधीनता के बाद सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार से जो काम प्रारंभ हुआ, विवेकानंद शिला स्मारक से होते हुए श्री राम जन्मभूमि पर होते हुए काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल, भारत के अंदर धीरे धीरे करके स्वाधीन भारत के तीर्थ कैसे होंगे, हिंदू भारत कैसा होगा, सारे देश के अंदर ऐसा लगता है आने वाले समय के अंदर हम गुलामी के सब चिन्हों को मिटा देंगे, ऐसा भारत का दृश्य है। इसलिए मैं कहता हूं ये स्वाधीन भारत की यात्रा ये गर्व करने लायक है। इस 75 वर्षों के अंदर सारे देश के अंदर देशभक्ति से ओतप्रोत, हिंदुत्व से ओतप्रोत, हिंदुत्व के भाव से युक्त, गुलामी के सब चिन्हों को मिटा देने के लिए कृत संकल्प, दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला ऐसा समाज, एक भारत को अर्थ शक्ति के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र के दृश्य को हम ही नहीं पूरी दुनिया धीरे धीरे करके स्वीकार कर रही है। हम जब अपने इस संघ की 100 वर्षों की यात्रा का विचार करते हैं तो इस 100 वर्षों की यात्रा का विचार करते हुए भी 4 बातें हमको इस 100 वर्षों की संघ की यात्रा में दिखाई देती। पहली बात क्या है, ये यात्रा अनवरत है, अखंड है, कंटिन्यूअस है, सीमलेस है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये आसान नहीं थे, कैसी भी परिस्थिति थी, देश की स्वाधीनता हुई, विभाजन हो गया, प्रतिबंध लगे, युद्धों का सामना करना पड़ा, किसी भी कालखंड के अंदर ये संघ का काम रुका नहीं। बीच की परिस्थिति के अंदर प्रतिबंध था, कार्य का स्वरूप बदला होगा लेकिन कार्य रुका नहीं, ये अखंड है, संघ बटा नहीं, संघ एक था, एक है, एक ही रहेगा। ये जो संघ की यात्रा है, ये संघ की यात्रा में कोई विभाजन नहीं है। संघ की यात्रा इस कालखंड के अंदर कितने काम संगठन चले वो एक के अनेक हो गए, हम एक थे, एक ही है, और हमारी ये यात्रा निरंतर वर्धिष्णु है, कंटिन्यूअस इवॉल्विंग, लगातार नई नई चीजें संघ के अंदर आ रही, हर आयु वर्ग की शाखा, विभिन्न संगठन, संघ के स्वयंसेवक, समाज के अंदर समाज के आंदोलन, समाज परिवर्तन गतिविधियां, समाज की सज्जन शक्ति का जागरण, नए नए काम ये संघ के अंदर जुड़ते चले गए। वास्तव के अंदर ये यात्रा इतनी सरल नहीं थी, प्रारंभ के लोग जिन्होंने कालखंड संघ का काम किया उनको एक बड़ी उपेक्षा सहनी पड़ी, लोगों को लगता नहीं था संघ कुछ करेगा, कुछ होगा, ये विश्वास नहीं था। बड़े बड़े लोग संघ को आकर कहते थे इस शाखा चलाने से, दंड चलाने से, गणवेश डालने से, कार्यक्रम करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करना है तो हमारे साथ आइए। लेकिन अपने संघ के लोग उस कालखंड के अंदर ये संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, ये जो हमारे मन के अंदर एक दृढ़ विश्वास है, ये संगठित हिंदू समाज का चित्र खड़ा करना ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, ये जो पूजनीय डॉक्टर साहब ने हमको प्रारंभ से कहा। अपने नेतृत्व के प्रति श्रद्धा और विश्वास, अपनी कार्य पद्धति के प्रति श्रद्धा और विश्वास, जो कुछ होगा
इस कार्य पद्धति से होगा और हमारा नेतृत्व हर परिस्थिति में जो मार्गदर्शन करता है वो मार्गदर्शन अपने आप में पूर्ण है, ये विश्वास मत में लेकर। और संघ के स्वयंसेवकों ने अपने अंदर निस्वार्थता, प्रामाणिकता और तनमन धन पूर्वक देश पहले, समाज पहले, बाकी सब बातें बाद। ये जो संघ के स्वयंसेवक ने अपने अंदर जो कहूंगा तो करूंगा, जो करता हूं वही कहूंगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं, निस्वार्थता किसी भी कोने के अंदर, हृदय के संघ के अंदर आने के बाद कभी मन में यह भाव नहीं आएगा कि मैं संघ में आया मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला। प्रामाणिकता, तन मन धन पूर्वक मेरा जो कुछ है वो संघ का, अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी, समय धन जो संघ कहेगा वो करूंगा। ये जो तीन बातें थी, हमारा विश्वास कि ये ईश्वरीय कार्य, अपनी कार्य पद्धति और नेतृत्व के प्रति श्रद्धा और आस्था, और स्वयंसेवक के अंदर निस्वार्थता, प्रामाणिकता और तन मन धन पूर्वक संघ का काम करने का ये जो भाव है, इन तीन बातों के आधार के ऊपर वो जो उपेक्षा थी उस उपेक्षा में से निकलकर दिखने वाला काम, जब दिखने वाला काम हो गया तो विरोध प्रारंभ हो गया। दो बार संघ पर प्रतिबंध लगे, बड़े बड़े लोग संघ को लेकर आरोप लगाते थे, दुष्प्रचार करते थे, ऐसे ऐसे लोग जिनकी दुनिया सुनती थी, जिनकी बातें समाचार पत्रों में छपती थी, वो सब लोग संघ पर झूठे झूठे आरोप लगाते थे। संघ को विदेशों से पैसा आता है, संघ के CIA से संबंध है, ऐसे ऐसे आरोप लगते थे जिसको सुनकर आज कभी कभी सब स्वयंसेवकों को हंसी भी आई, लेकिन वो समय ऐसा था लोग उन्हीं की बात सुनते थे। उस सारे विरोधों में से भी हम निकले, हम संघ के लोगों ने एक मन में निश्चय किया, संभवतः हमारे भाग्य में ही है कि ये विरोध हो। बहुत हैरानगी थी, विभाजन के कालखंड के अंदर समाज, हिंदू समाज की रक्षा में संघ सबसे आगे, विस्थापित होकर जो लोग आए उनके पुनर्वास में संघ सबसे आगे। संघ का स्वयंसेवक पुनर्वास में लगा था, हिंदू समाज की रक्षा में लगा था, और पूज्य महात्मा गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगाए। दो दो आयोग बने, इन्वेस्टिगेशन हुए, जजमेंट आ गए, संघ की कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं आया, उसके बाद भी बोलना बंद नहीं किया, आरोप लगाना बंद नहीं किया। दूसरों से लड़ना आसान होता है, लेकिन जिन अपनों के लिए हम काम कर रहे हैं वो अपने ही जब विरोध करते हैं तो उसको सहना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उस सारे अपनों के विरोध में भी संघ के स्वयंसेवकों ने अपने नेतृत्व, कार्य पद्धति, उस पर श्रद्धा विश्वास, ईश्वरीय कार्य ये मानकर, जहां समाज देश की आवश्यकता है, वो तीन चार युद्ध आए, वो कच्छ का प्रश्न था, वो अकाल था, वो भूकंप था, जहां भी समाज देश की आवश्यकता है, संघ पहले, स्वयंसेवक पहले, समाज को साथ लेकर अपनी भूमिका निभाने के कारण से देखते देखते संघ के काम के प्रति अनुकूलता और आज स्वीकार्यता बन गई। आज जब हम देश के अंदर विचार करते हैं तो हमको ध्यान में आता है धीरे धीरे करके हमारी ये जो चार पीढ़ी की यात्रा है, इस चार पीढ़ी की यात्रा के कारण से समाज जीवन के केंद्र में आकर संघ खड़ा हो। वास्तव में यह चार पीढ़ी की यात्रा अद्भुत है। पहली पीढ़ी ने सारे देश के अंदर संघ के काम का बीजारोपण की, दूसरी पीढ़ी ने संघ के काम को राष्ट्रव्यापी बना दिया। 1973-74 तक आते आते देश के हर जिले में संघ पहुंच गया। तीसरी पीढ़ी ने इस संघ को समाजव्यापी कर दिया। 1977 के बाद उस लोकतंत्र की रक्षा के आंदोलन में संघ ने, स्वयंसेवकों ने जो भूमिका निभाई थी, सारे देश में एक बड़ी अनुकूलता आ गई। जैसे ही वो अनुकूलता आ गई, उस अनुकूलता के कालखंड के अंदर सारे देश की सेवा बस्तियों में संघ ने काम प्रारंभ किया, वनवासी क्षेत्रों में काम प्रारंभ किया, नॉर्थ ईस्ट और दूर दराज के क्षेत्रों में काम प्रारंभ किया, विद्या भारती के माध्यम से विद्यालय प्रारंभ होने शुरू हो गए,
और उस कालखंड के अंदर हिंदू समाज के आत्मविश्वास को जगाने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता को पुष्ट करने के लिए हमने बड़े बड़े अभियान लिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन, एकात्मता यात्रा और संघ के बड़े बड़े संपर्क अभियान, और इसके कारण से तीसरी पीढ़ी ने 2000 तक आते आते हमने 1985 में जो पहला संपर्क अभियान लिया था, 1.25 लाख गांव तक हम पहुंचे थे। 2000 के अंदर संघ के 75 वर्ष पूरे होने पर हमने जो एक अभियान लिया उसमें 4 लाख से ज्यादा गांव में हम देश में हो। हमारी जो तीसरी पीढ़ी थी उसने संघ को समाज व्यापी कर दिया। चौथी जो पीढ़ी थी उसने ये जो स्वीकार्यता थी, अनुकूलता से जो स्वीकार्यता बन गई, इसके अंदर पिछले 25 वर्षों में पूरी सज्जन शक्ति को संघ से जोड़ दिया। स्थान स्थान के ऊपर पूज्य संत महात्मा, सामाजिक नेतृत्व, समाज को साथ लेकर समाज परिवर्तन के लिए सारे देश के अंदर एक वातावरण खड़ा हो गया। आज धीरे धीरे करके हम कह सकते हैं संघ और समाज एक वेवलेंथ पर आ गए। सारे देश में घूमते हुए समाज के प्रमुख लोगों के साथ मेरा बैठना होता है, मैं ध्यान में आता है जैसे हम आज से 25-30 साल पहले सोचते थे वैसा ही आज समाज सोचता। आज कहीं पर भी प्रश्न आ जाए हर एक के मन में एक ही बात है कि समाज के समस्याओं का समाधान कैसे होगा। लेकिन ये समाधान करने के लिए संघ क्या करेगा ये नहीं कहते, हम क्या कर सकते हैं ये आज सबका वातावरण बन गया। आज समाज जो है केवल सुझाव नहीं देना चाहता, वो अपेक्षा नहीं करता, आज समाज संघ के साथ जुड़कर काम करना चाहता है। धीरे धीरे करके संघ और समाज के बीच का अंतर समाप्त होता है, और इसीलिए आज के इस समय का मैं जब वर्णन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि आज संघ भारत के केंद्र में है और भारत विश्व के केंद्र। संघ जो है ये आज समाज के केंद्र में, सारे समाज ने संघ के नेतृत्व को स्वीकार किया, सारा समाज का नेतृत्व संघ के साथ मिलकर काम करना चाहता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा समाज सोच रहा है, जैसा संघ समाज बनाना चाहता है वैसा ही समाज और देश का चित्र आज देश की सारी सज्जन शक्ति देखना चाहता है, और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया के केंद्र में भारत आकर खड़ा हो गया। सारी दुनिया के अंदर जिन विचारधाराओं ने पिछले 1000 साल के अंदर दुनिया में प्रभाव छोड़ा, वो सबके खोखलेपन को दुनिया ने देख लिया। पूरी दुनिया को ध्यान में आ गया है, चाहे वो कम्युनिज्म की विचारधारा थी, चाहे सोशलिज्म की थी, चाहे अमेरिकन कैपिटलिज्म की थी, चाहे इवेंजेलिकल चर्च था, चाहे दुनिया के अंदर इस्लाम के आधार पर शासन था, जहां पर भी दुनिया में इनका प्रभुत्व हुआ वहां पर क्या मिला, केवल शोषण, लूट, अत्याचार, साम्राज्य, उपनिवेश, जो उन्होंने कहा उसके विपरीत व्यवहार किया। आज सारी दुनिया के अंदर जितने प्रश्न है, जिस रास्ते के ऊपर पिछले 100 साल से दुनिया चल रही है, उसके कारण से सारी दुनिया के अंदर चाहे आपस के अंदर हिंसा के संघर्ष के प्रश्न है, चाहे पर्यावरण के प्रश्न है, चाहे समाज के अंदर टूटते हुए परिवार, तनाव, समाज के अंदर विघटन, ये सारे प्रश्नों का उत्तर किसके पास है, हर एक आज भारत को आशा की निगाह से देखा। भारत का योग, भारत का आध्यात्म, भारत का आयुर्वेद, भारत का शाकाहार, भारत की एक एक बात दुनिया को अनुकरणीय लग रही है। इसलिए मैंने कहा आज भारत विश्व के केंद्र में है और संघ भारत के केंद्र। आज जब ये परिस्थिति है, हमारी 4 पीढ़ी की संघ की यात्रा ने, पहली पीढ़ी ने बीजारोपण किया, दूसरी पीढ़ी ने इसको राष्ट्रव्यापी किया, तीसरी पीढ़ी ने समाज व्यापी किया, और चौथी पीढ़ी ने संघ और समाज के अंतर को समाप्त कर दिया। हमारी 5वीं पीढ़ी को क्या करना है, ये बात सोचकर हम सब लोग यहां से जाए, इसके लिए 3-4 बातें और बताऊंगा छोटी छोटी। आज संघ की चौथी पीढ़ी नेतृत्व कर रही है, तीसरी पीढ़ी नेतृत्व कर रही है, चौथी पीढ़ी काम कर रही, 5वीं पीढ़ी तैयार होगी। कुछ समय बाद चौथी पीढ़ी नेतृत्व करेगी, 5वीं पीढ़ी काम करेगी, 6वीं पीढ़ी तैयार हो। आने वाले 25 साल के अंदर हमको क्या करना, जब स्वाधीनता के 75 वर्ष का समय आया था, अपने देश के अंदर
सरसंघ चला गया विजयदशमी के संबोधन पर हमको कहा, आज से 75 साल पहले हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की। ये जो स्वाधीनता से स्वतंत्रता है ये समझना, हम केवल हम स्वराज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, केवल अपने राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, पूरे आंदोलन के अंदर हमारी प्रेरणा जो थी स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज्य, ये तीन बातों की इर्द गिर्द। उसी समय अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने भी संबोधन करते हुए स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव पर कहा कि ये भारत का अमृत काल, ये जो भारत का अमृत काल है, अमृत काल यानी प्रातः काल जब भोर फूंकती है तो अंधकार समाप्त होता है, ताजगी का एहसास होता है, पक्षी चहचहाना शुरू करते हैं, एक ऐसा वातावरण के अंदर करने का भाव है, धीरे धीरे करके सूर्य उगना शुरू होता है, दैदीप्यमान होता है, वो पूरे धरती को आलोकित कर लेता है। उन्होंने कहा ये जो 25 वर्ष का कालखंड है, ये 25 वर्ष के कालखंड के अंदर इस अमृत काल के बाद भारत का सूर्य दैदीप्यमान होकर पूरे विश्व को आलोकित करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया वी हैव टू रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। हमको आने वाले 25 सालों का संकल्प लेना है, 100 साल बाद जब हम शताब्दी मनाएंगे भारत की स्वाधीनता की, उस समय भारत का चित्र कैसा होगा। इस वर्ष के लाल किले के ऊपर उन्होंने वो 5 बातें करने के लिए सबको कहा, देश के किसी भी कोने से गुलामी का एक भी चिन्ह बाकी नहीं रहना चाहिए, अपनी विरासत का गर्व, सामाजिक एकता, नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध समाज और पूर्ण विकसित भारत, ये 5 बातों के इर्द गिर्द उन्होंने आने वाले समय के अंदर बहुत सारी बातें हम सबको करने की बताई। वास्तव के अंदर आने वाले समय के अंदर ये जो करने का काम है, हमारे जो 4 पीढ़ी की यात्रा है, आने वाले 25 सालों के अंदर इसको हमको अपने मंजिल तक पहुंचा, इस दृष्टि से हमारी 4थी, 5वीं और 6ठी पीढ़ी को मिलकर क्या करना है, तो 4 काम है हम सबके करने के। मैंने बताया पहली पीढ़ी ने राष्ट्रव्यापी कार्य किया, दूसरी ने समाज बीजारोपण किया, दूसरी ने राष्ट्रव्यापी किया, तीसरी ने समाज व्यापी किया, 4थी पीढ़ी ने अपने इस काम को संघ और समाज को एक कर दिया। हमको क्या करना है, तो हम जब विचार करते हैं तो हम राष्ट्रव्यापी हैं, समाजव्यापी हैं, अभी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी नहीं। हमारे विभाग कार्यालय जी ने हम सबको बताते हुए कहा, अभी भी कुछ मंडल छूट गए, अभी भी कुछ बस्तियां छूट गई। हम जब बस्तियों का विचार करते हैं तो कुछ उपबस्तियां छूट गई, मंडल के कुछ गांव छूट गए, एक 500 से ज्यादा गांवों के सदस्य यहां पर है, लेकिन बहुत सारे गांव छूट गए। 2025 के अंदर जब अपना ये शताब्दी वर्ष का विस्तार का ये जो अभियान है ये पूरा होगा, तो हम सबको ध्यान में आना चाहिए, ये आज का कार्यक्रम हमारा लक्ष्य नहीं है, ये कार्यक्रम माध्यम बनना चाहिए, आने वाले 2 साल के अंदर प्रत्येक गांव, प्रत्येक बस्ती, बस्ती की हर मोहल्ला, गांव का हर पाड़ा, गांव का हर छोटा हिस्सा, वहां तक संघ का संसेच चाहिए, वहां तक अपने कार्य का स्वरूप चाहिए। अभी हम राष्ट्रव्यापी हैं, समाजव्यापी हैं, हम सर्वस्पर्शी नहीं, सर्वव्यापी नहीं, एक भी कोना ऐसा नहीं रहे जहां अपने इस संघ के कार्य की पहुंच न हो। इस दृष्टि से इस कार्यक्रम के बाद एक बड़े कार्य के विस्तार की छलांग हम सब लोग लगाएं, ये पहली बात। दूसरी बात, 1000 साल हम 2 शक्तियों से लड़े, कट्टरपंथी इस्लाम और इवेंजेलिकल चर्च। पिछले 100 वर्षों के अंदर 2 और शक्तियां हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं, एक कॉम्युनिज्म, बॉयज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, इसका जो विचार है, और दूसरा दुनिया के अंदर जिसको आज अमेरिकनिज्म कहते हैं, कैपिटलिस्ट फोर्सेस कहते हैं, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस कहते हैं, वास्तव के अंदर ये जो 4 शक्तियां हैं, ये 4 शक्तियों से हम लड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें आपको दिखाई देती है, उसकी चर्चा कर नहीं सकते, उसका समय नहीं है, लेकिन ये सारी शक्तियां जो है
ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे हिंदुत्व का वातावरण बनता गया, देशभक्ति का भाव जगता गया, अपना देश ताकतवर होता गया, संघ भी ताकतवर होता गया, समाज के केंद्र में आ गया, धीरे धीरे करके शक्तियां परास्त हो रही है। ये शक्तियां परास्त हो रही है, समाप्त नहीं। आज से 75 साल पहले तंत्र में, समाज में, विचार में सब जगह प्रभावी हुई। आज समाज में ये हमसे लड़ नहीं सकते, तंत्र से धीरे धीरे करके बाहर हो रही है, लेकिन विचार में अभी भी एक ताकत। और इसलिए ये सारी शक्तियों को ध्यान में आ गया है कि अब हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये आने वाले 10-15 वर्ष एक बड़े संघर्ष के कालखंड की तैयारी का समय है। हमको एक बड़े संघर्ष में से निकलना पड़ेगा। ये जो सारी शक्तियां है, ये शक्तियां उनको ध्यान आ गया, हम अकेले अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए ये एकजुट हो गई। और इन सब लोगों के लिए कॉमन एनिमी क्या है, समान शत्रु क्या है, वो तीन बातें हैं, भारत, हिंदू और संघ। दुनिया की सब शक्तियों को लगता है कि भारत ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा विचार समाप्त हो जाएगा, पूरी दुनिया भारत के पीछे आगे खड़ी हो जाएगी। ये भारत क्यों ताकतवर हो रहा है? क्योंकि देश में हिंदुत्व का भाव जग रहा है। अपने जाति भेदों से ऊपर उठकर, अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर, पूरा हिंदू समाज देश के लिए जीने के लिए खड़ा हो। ये सारे देश में हिंदुत्व का भाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि संघ मजबूत हो रहा है। और इसीलिए सारे देश के अंदर एक योजनाबद्ध प्रयास इस भारत की एकात्मता को तोड़ना, हिंदुत्व के भाव को कमजोर करना और संघ के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर संघ के बारे में एक भ्रम का वातावरण फड़का। आने वाले समय के अंदर हमको इस नए प्रकार के षड्यंत्रों के स्वरूप मिले। मैंने बताया वो प्रत्यक्ष लड़ नहीं सकते, इसलिए छत में युद्ध शुरू हो रहा है, मायावी युद्ध शुरू हो रहा है, प्रॉक्सी वार शुरू हो रही है। हिंदू समाज के अंदर नए नए तरह के संघर्ष पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मैं अभी पिछले दिन हरियाणा प्रांत में था, वहां पर अपने दो समाज के लोग आमने सामने खड़े थे, गुर्जर और राजपूत। प्रश्न क्या है, एक मिहिरभोज नाम के एक राजा हुए, एक महापुरुष हुए। गुर्जर कह रहे थे ये हमारे हैं, राजपूत कह रहे हैं हमारे हैं। मैंने पूछा महापुरुष किसी जाति के होते हैं? महापुरुष तो पूरे समाज के होते, उस पर किसी का पेटेंट है? उन्होंने एक जाति का विचार किया क्या? लेकिन वो हमारे थे, इस बात के ऊपर दोनों का झगड़ा। आने वाले समय के अंदर जातियों के अभिनिवेश खड़ा करना, समाज के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर समाज को बांटना, संघर्ष करना, तरह तरह के खड़े करना, अचानक कहीं पर आरक्षण के नाम के ऊपर, कहीं पर जातियों के छोटे से घटना को, दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, वो जाति की अस्मिता का प्रश्न बन जाता। थोड़े दिन पहले हमने किसान आंदोलन देखा, हमने भीमा कोरेगांव का समय देखा, सीए का समय देखा, परसिक्यूटेड जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिन लोगों को 4 पीढ़ी से अत्याचार सह रहे थे, वो भारत में नहीं आएंगे तो कहां आएंगे? यहां हम उनको अधिकार देते हैं तो वो किसी के अधिकार छीने थोड़ी जाते। लेकिन सारे देश के अंदर एक भ्रम का वातावरण खड़ा करते। ये जो सारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर नए नए तरह के संघर्ष ये खड़े करने का प्रयास हो। और इसलिए हम सब लोगों को आने वाले समय के अंदर समाज को टूटने नहीं देना, हिंदुत्व का भाव कमजोर नहीं होने देना, समाज के किसी भी वर्ग को अपने से छूटने नहीं देना। सारे समाज के अंदर इस हिंदुत्व के आंदोलन को, समाज की एकता के प्रश्न को ये तोड़ने का प्रयास हो। तीसरा काम हम सबको जो करने का है, इस 1000 वर्ष के संघर्ष में बहुत सारी बातें ऐसी आ गई जो हमारी नहीं, हमारी व्यवस्था टूट गई। कुछ बातों का संकेत माननीय अध्यक्ष जी ने हमसे किया, भारत के हिंदू की पहचान किसके साथ होनी चाहिए? तो वो 5 बातों के साथ होनी चाहिए। भारत का व्यक्ति यानी नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध। भगनी निवेदिता से किसने प्रश्न किया, देश स्वाधीन हो गया तो देशभक्ति का मापदंड क्या है? उन्होंने कहा नागरिक कानूनों का पालन करना, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, यही देशभक्ति का पैमाना। देश गुलाम है तो उससे लड़ना पड़ता है, ये देशभक्ति है, त्याग और बलिदान करना पड़ता है। लेकिन देश स्वाधीन हो गया तो देश के कानून है, देश का संविधान है, उसको मानना।
देश के अंदर सामान्य व्यक्ति के अंदर भ्रष्टाचार, सामान्य व्यक्ति के अंदर अपने स्वार्थों के लिए कानून को तोड़ना, ऐसी जो अनेक बातें हैं ये समाप्त होनी चाहिए। सारे देश के अंदर स्वदेशी का भाव आना चाहिए। अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना खान पान, अपने महापुरुषों का गौरव, अपने जीवन के अंदर अपने देश की बनी वस्तुओं का उपयोग, नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध, स्वदेशी के भाव से ओतप्रोत सामाजिक समरसता का आचरण। हिंदू समाज का विचार है सबके अंदर भगवान का अंश है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, किसी से भेद नहीं हो सकता। किसी का किसी परिवार में जन्म हुआ, इसके कारण से वो व्यक्ति हमारे लिए त्याज्य नहीं हो सकता, अस्पृश्य नहीं हो सकता। सारे देश के अंदर ये जो सामाजिक समरसता है, भारत माता की संतान हम सब सगे भाई, हम सब भारत माता की संतान सगे भाई, हमारा एक खून का रिश्ता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीची जाति का नहीं, हम सब एक। ये जो आचरण और व्यवहार है ये भाषण में नहीं, कार्यक्रम में नहीं, हमारे परिवार में दिखना चाहिए, हमारे गांव में दिखना चाहिए, हमारे गांव के मंदिर में सबको प्रवेश चाहिए, हमारे गांव के अंदर कुआं सबके लिए समान चाहिए, जातियों के शमशान की परंपरा समाप्त होनी चाहिए, सबके समान शमशान चाहिए। समाज जीवन के अंदर जहां जहां पर भी भेद है वो सब भेद हम समाप्त करेंगे। आज जो पर्यावरण का प्रश्न है ये जीवन शैली का प्रश्न है। जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें जिससे पर्यावरण का संरक्षण होता है ये हमको करने की, प्लास्टिक का उपयोग कितना करना, पानी का उपयोग कितना करना, पानी को कैसे बचाना, छोटी छोटी बातें या जीवन के अंदर आनी चाहिए। और भारत का परिवार, ये भारत का परिवार संस्कारित परिवार बनना चाहिए, मूल्य आधारित परिवार। हिंदू घर कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमको एक चित्र खड़ा करना, आने वाले वासने के अंदर ये पांच बातें समाज जीवन के अंदर भारत की पहचान बननी चाहिए। और चौथी और आखिरी बात है, हमारी कहानी हमको लिखनी है। ये जो इस हजार साल का कालखंड रहा, क्या हुआ, लाला लाजपत राय कहा करते थे इस देश के अंदर अंग्रेजों ने तीन बातें की, डी हिंदुआइजेशन, डी सोशलाइजेशन, डी नेशनलाइजेशन, हमारी ये समाज की एकता को तोड़ दिया। हिंदू समाज ने हीनता का भाव पार दिया, राष्ट्र की भक्ति का भाव, राष्ट्रीय एकात्मता का भाव ये कमजोर कर। ये जो अंग्रेजी शिक्षा 1835 में प्रारंभ हुई, इसके जब 50 साल हुए तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उनका एक भाषण है उस समय, उनने कहा ये अंग्रेजी शिक्षा कैसी है। उन्होंने कहा एक बच्चा स्कूल जाता है, पहली बात वो सीखता है योर फादर इज अ फूल। ये उनका वाक्य है कि आपके पिता मूर्ख है, वो जो बताते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, जो हम बताते हैं वो सुनो। वो कहते हैं सेकेंड थिंग इज लर्न, दूसरी बात वो सीखता है योर ग्रैंड फादर इज ल्यूनेटिक, आपके दादा परदादा दादी परदादी ये सनकी हैं, ये जो बातें कहते हैं इनका कोई आधार नहीं, निराधार बातें, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा थर्ड थिंग दे लर्न, तीसरी बात वो सीखते हैं, ऑल योर टीचर्स आर हिपोक्राइट्स, आपके जितने गुरु हैं, आपके मार्गदर्शन करने वाले संत हैं, जितने आपको प्रवचन देने वाले हैं वो दोहरापन है, खोखलापन है, जो बात कहते हैं वो वास्तव में होती नहीं। और चौथी बात उन्होंने कहा, फोर्थ थिंग दे लर्न, ऑल योर सेक्रेड बुक्स आर फुल ऑफ लाइज, आपकी जितनी किताबें हैं रामायण महाभारत वेद गीता ये सब बेबुनियाद है, झूठ से भरी हुई, ये मिथक है, ये केवल कहानी है। उन्होंने कहा बाई द टाइम ही 16, वो 16 साल का होता है, ही इज ए मास ऑफ नेगेशन, वो नकारात्मकता से भरा होता है, बोनलेस, उसकी कोई रीढ़ नहीं होती, लाइफलेस, उसमें कोई जीवन नहीं होता, कुछ करने का भाव नहीं होता, अंग्रेजों के अनुसरण में ही मेरा हित है यही भाव होता है। वास्तव के अंदर अंग्रेजों ने एक यूरोसेंट्रिक मॉडल खड़ा किया, विदेश के अनुसरण में ही हमारा हित है। आज कभी कभी जो पश्चिम का है वो हमको मॉडर्न लगता है, वो वेस्टर्न को मॉडर्न कहते हैं, उसी को हम प्रगति कहते हैं, हमारी अपनी सब बातें रूढ़िवादी लगती है। भारत के विमर्श के आधार के ऊपर हमको भारत की व्यवस्थाएं खड़ी करना है। सारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर हमको हमारे विमर्श के आधार के ऊपर अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करनी है।
ये चार काम आने वाले समय के अंदर थे, और इसीलिए आज जो ये अपने यहाँ पर चौथी पीढ़ी जो इस समय काम कर रही है, ये आज से 10-15 साल बाद जिला विभाग प्रांत सब जगह नेतृत्व करेगी अपने ग्राम तहसील। पांचवी पीढ़ी हमारे साथ तैयार हो रही है, वो काम करना प्रारंभ कर देगी। छठी पीढ़ी तैयार होगी, आने वाले 25 साल बाद अपने इस देश के अंदर हमारा चित्र कैसा चाहिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आंदोलन इट शुड बिकम मूवमेंट ऑफ 100%, ये 100% का आंदोलन बन जाना चाहिए। ये 100% तक पहुंच जाना चाहिए, ये कोई गांव कोई मोहल्ला ये हमसे छूटना नहीं चाहिए। राष्ट्र विरोधी शक्तियां समाज को तोड़ने का सपने वाली शक्तियों का पूर्ण प्रस्त हमको करना, उनको हमको समूल यहां से समाप्त करना है, और नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध स्वदेशी के भाव से ओतप्रोत ऐसा अपना एक समाज का चित्र खड़ा करना। इस दृष्टि से हम सब लोग अपने अपने बारे में संकल्प करें, जिस भी गांव से आए हैं वहां पर संघ का काम खड़ा हो, एक प्रभावी काम खड़ा हो। हम जहां पर भी हैं एक भी स्वयंसेवक ऐसा नहीं चाहिए जो समाज का दायित्व तो लेकर खड़ा ना हो। हमारे सबके परिवार एक आदर्श हिंदू परिवार बनने चाहिए, और अपने क्षेत्र के अंदर समाज की सज्जन शक्ति को लेकर जैसा भारत बनाना चाहते हैं वैसे अपने गांव बस्ती को हम बनाकर खड़ा करें, ऐसा एक संकल्प लेकर हम सब लोग जाए, इस बात का अनुरोध करते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपने इस वक्तव्य को मैं पूर्ण करता हूँ। भारत माता की जय।